बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हमने यहाँ पे लिया है एक बैंगन बड़े साइज़ का, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और दो मीडियम साइज आलू, और एक टमाटर, और हाफ टी स्पून मेथी दाना, एक कप से कम मैंने तेल लिया है, और ये धनिया, 6 से 7 मिर्ची, 4 जवे लहसुन के, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको हमें पीस हरी धनिया लहसुन मिर्ची को हमें पीस लेना है। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू, आलू को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन, बैंगन को भी थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना टमाटर, और हल्दी नमक, और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे, हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम अपनी चटनी को मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। आलू गलने के लिए हम इसमें पानी भी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे कि जैसे हमारा आलू गल जाए। अब हम यहाँ पे इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे, आलू गलने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारे आलू बैंगन की सब्जी तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। हमारे आलू भी गल गए हैं बहुत अच्छे से, तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। देखिए मैंने अपने सब्जी को डिश आउट कर लिया है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप भी बनाएं, आप भी ट्राई करें मेरे मेथड से, जैसे मैंने बनाया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।